महाशतक के करीब पवन सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, 6-7 साल पहले पवन सिंह का एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार गाना आप सभी के बीच आया था, जिस गाने का नाम था राते दिया बुता के। और पवन सिंह का यह गाना उस समय काफी ज्यादा धूम मचाया, भोजपुरी दर्शकों को खूब ज्यादा पसंद भी आया। और इस गाने को गाए थे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और इंदु सोनाली, वीडियो गाने में थे पवन सिंह और अम्रपाली दुबे। और ये गाना फिल्म का गाना है जो की सत्या फिल्म का गाना है, जो की बम्पर हिट हुआ था। लेकिन पवन सिंह के इस गाने को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। खबरी है कि पवन सिंह का यह गाना 600 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला है YouTube पे। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का गाना राते दिया बुता के यह गाना 600 मिलियन क्रॉस करने वाला है व्यूज YouTube पे, और बहुत जल्द गाना 600 मिलियन वाला क्लब में शामिल हो जाएगा। हाँ, एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, वेब म्यूजिक कंपनी का सबसे पॉपुलर व्यूज वाला यही गाना है। हाँ तो दोस्तों, अभी का अपडेट यही है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का गाना राते दिया बुता की ये गाना 600 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला है YouTube पे बहुत जल्द। और आप सभी को क्या लगता है, पवन सिंह का गाना राते दिया बुता की ये गाना 600 मिलियन व्यूज कब तक क्रॉस कर जाएगा, यानी कितने दिन में क्रॉस कर जाएगा ये गाना 600 मिलियन व्यूज YouTube पे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते हैं किसका अनुमान सही निकलता है। हाँ तो दोस्तों, ये रहा अपडेट, आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।